आज मैं आपके लिए लाया हूँ पनीर मोमोज़ की रेसिपी, जिसे बच्चे बड़े हर कोई खाना पसंद करता है। एकदम बाजार जैसी टेस्टी पनीर मोमोज़ की रेसिपी आज हम घर पर बनाना सीखेंगे। जब आप मोमोज़ बनाते हैं नीचे से चिपक जाते हैं, चिपटे हो जाते हैं, उसका भी तरीका बताऊंगा, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। सबसे पहले आटे को हम गूंद लेंगे, डो बनाएंगे। 1.5 कप मैंने मैदा लिया है, इसको गूंद लेंगे अच्छे से। इसको गूंदने के बाद इसमें ऑयल लगा लेंगे ऊपर से, इसको कवर कर लेंगे हम, 20 मिनट के लिए रेस्ट होने दें। और प्याज लेंगे हम, 3 प्याज मैंने लिया है। 3 प्याज को हम बारीक काट लेंगे, एकदम फाइन तरीके से। प्याज को मोटा ना काटें, आप मोटे काटेंगे तो आपके मोमोज जो है फट जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। बारीक ज़रूर काटें, जितना बारीक आप काट सकते हैं। फिर धनिया को भी उसी तरीके से बारीक तरीके से काटें। अब मैंने पनीर लिया है 250 ग्राम, इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे। मैं प्याज डाल लेंगे हम, और धनिया को भी डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। डो हमारा रेडी है, इसको हम लंबा कर लेंगे, इसके 3 हिस्से कर लेंगे पतले पतले, और इनको गोल करके हाथों की सहायता से इसके पेड़े बनाएंगे। छोटे छोटे हमें लेने हैं, और इन सबको गोल करके इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये चिपके ना। और इसमें थोड़ा सूखा मैदा लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे हम। अब ये बिल्कुल भी जब आप इसको बनाओगे तो चिपकेंगे नहीं बिल्कुल आपस में। अब इसको एक एक करके हमें इसके रैप बना लेंगे, इसको गोल गोल बेलेंगे। बीच में से मोटा नहीं करना है हमें, साइड साइड से पतला बेलना है आपको, तभी अच्छे बनेंगे। और बीच में सेंटर में हम इसका फिलिंग रखेंगे, और इसके साइड से हम इसको पकड़ेंगे, और एक एक करके हमें इसको लाते जाना है, दोनों साइड से पकड़ना है, जिस तरीके से मैं पकड़ रहा हूँ। पहली बार में हो सकता है ना बने, लेकिन दूसरी बार आप जब बनाएंगे तो आपके मोमोज ज़रूर बनेंगे। मैंने मोमोज को चिपकाने के लिए बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। अगर आप अच्छा मैदा आटा गूंदेंगे, आपको बिल्कुल भी पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी जब आप मोमोज की फिलिंग भरेंगे। जिस तरीके से मैंने आटे में ऑयल डाला, फिर उसके ऊपर सूखा मैदा डाला, उस तरीके को आप फॉलो करते हैं तो आपके मोमोज बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे, और बिल्कुल भी मोटे नहीं बनेंगे। खाने में बिल्कुल अच्छा स्वाद आएगा, जो आप बाहर खाते हैं उसी तरीके से आपके मोमोज बन करके तैयार होंगे। इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो करना, आप धीरे धीरे मोमोज को ज़रूर बनाना सीख जाएंगे। 1-2 मोमोज के बाद आपका मोमोज ज़रूर परफेक्ट बनेंगे। ये देखें, इसी तरीके से आपको मोमोज को बनाना है। सभी मोमोज को बनाने के बाद एक पन्नी लिया मैंने, उसमें ऑयल हम ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से कर सकते हैं। इसमें सारे मोमोज को हम डाल लेंगे, बिल्कुल भी अब नीचे से चिपकेंगे नहीं मोमोज। और मोमोज जब हम स्टीम करेंगे, इसको हमें एकदम सारे स्टीम नहीं कर लेने, जितने आपके मोमोज मैंने इसमें डाले उतने ही मोमोज डालेंगे इसमें। इसको पानी डाल के हम इसको बॉईल कर लेंगे, और स्टीमर हम अब हमारा गर्म हो चुका है। अब इसको हम मोमोज को गर्म कर लेंगे, इसको हम 3-4 मिनट गर्म करेंगे, और इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इसको ठंडा होने देंगे। हमें एक बार में ही इसको गर्म नहीं करना है, स्टीम नहीं करना, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएंगे और चिपटे हो जाएंगे। फिर इसमें तेल डाल के फिर इसको सारे मोमोज हम फिर दोबारा डाल लेंगे उसी तरीके से, और उसी तरीके से फिर हम मोमोज को निकाल लेंगे 3-4 मिनट के बाद। मैंने ये 70-80% मैंने इसको पकाया है, अब ये ठंडे होंगे, फिर इसके बाद हम सारे के सारे मोमोज दोबारा डाल देंगे। अब आप जितनी देर भी आप स्टीम करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट, अब ये बिल्कुल भी चिपटे नहीं होंगे, और खाने में बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी लगेगा जब आप इसको चटनी के साथ खाएंगे। मोमोज की चटनी मैंने पहले बना चुका हूँ, उसके वीडियो की लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर ज़रूर देखें। मैं इसको सर्व कर रहा हूँ, देख रहे हैं आप, बिल्कुल भी चपटे नहीं हुए नीचे से, और कितने अच्छे सुंदर बन करके मोमोस हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसको हम इसके ऊपर से पिज्ज़ा मसाला ऑरिगैनो हम डाल लेंगे। देखिए, हमारे पनीर मोमोस बन करके तैयार हैं।
इस तरीके से आप घर पर ज़रूर बनाएं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।